आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। लगातार हिंदुस्तान सड़कों पर है और महिलाओं को समर्थन देने ये महिलाएं घर से निकलकर आई हैं। क्या देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर, क्योंकि आप लोगों ने बड़े गाने गाए, बड़ा जोश में लोग थे, महिलाएं खासकर आप लोगों को बड़ा जोश में मैंने देखा। क्या कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं सामने से आपको? और कुछ नहीं कह सकती, इसीलिए हम लोग आए। नहीं, उनके अंदर गाना सुनाना। आपको यहाँ आकर दुख हुआ? हाँ, दुख हुआ। सभी लोग ऐसे बैठे ठंड में, आप लोगों ने आके ये बता दिया कि हम हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान। मैं आप महिला के तौर पर यकीन मानिए, मैं लगातार कवरेज कर रहा हूँ। मैंने 10 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल की माएं को देखा और यहाँ पर माएं ये कर रही है प्रधानमंत्री मेरा बेटा है, प्रधानमंत्री सुन नहीं रहे। जब माएं यहाँ से खड़ी होकर महिलाएं, और ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है कि बेटियों को जेएनयू में घुस कर उन्हें मार रहे हैं। सुनेंगे सुनेंगे प्रधानमंत्री सुनेंगे, और भी थोड़ा चलने दीजिए, ये सुनेंगे। इस महिला को जो जो हौसला है, जो स्ट्रेंथ है, वे ऐसे बेकार नहीं जाएगा। बिल्कुल सुनेंगे, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अच्छा, इस प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रही हैं? लगातार मैं देख रहा हूँ, मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, पूरा हिंदुस्तान सड़क पर है और लगातार सरकार से गुहार लगा रहा है एनआरसी और सीएए को कैंप के। कई लोगों से बातचीत हुई है, लोगों ने कहा कि भाई दंगे में पेपर जल गए, जलजला आया उसमें पेपर खो गए, बाढ़ आया उसमें पेपर खो, वो कैसे लोग अपने पेपर्स को दे। कई लोगों से बातचीत करने में ये बातें निकल कर बाहर आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये चलना चाहिए, हम सब एक है हिंदुस्तानी, हम सब एक है, ऐसे चलना चाहिए। उनको सुनना पड़ेगा और ये प्रोटेस्ट जारी रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतनी महिलाएं आई हैं, जो मैं पीछे तस्वीरें हैं मैं दिखाना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने आई हैं, सरकार से अपील करने आई हैं कि सरकार उनकी सुने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।